अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं इंस्टेंट बर्फ़ी की रेसिपी। तो ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स है, बहुत आसानी से बन जाती है और घर की चीज़ों से जल्दी में अगर आपको कोई चीज़ मीठा बनाना है तो ये बहुत जल्दी बन जाती है। तो चलिए फिर इसकी रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए हमको सबसे पहले एक पैन हमने रख दिया है गैस पे और इसको स्लो पे ही हमें सारा काम करना है, बिल्कुल स्लो गैस पे। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये गरी का बुरादा डालेंगे, ये 1/4 कप है डेसिकेटेड कोकोनट। तो इसको हम हल्का सा पहले रोस्ट कर लेंगे, इसका हमें कलर चेंज नहीं करना है, बस इसको हल्का सा, जब तक इसमें एक हल्की सी भीनी भीनी सी स्मेल आने लगेगी तब तक हम इसको रोस्ट करेंगे। इसको रेगुलर चलाते रहिएगा वरना ये नीचे से जल भी सकता है और कलर पकड़ लेगा। तो देखिए ये रोस्ट हो चुका है, अब हम इसमें ये अपना दूध डाल देंगे और ये हमारा 1/2 कप दूध था तो इसमें हम ये डालकर इसको चला लेंगे। ये पूरा पूरा प्रोसेस हमें धीरे आंच पे ही करना है। अब यहाँ पर हम ये चीनी डाल देंगे, ये चीनी भी हमारी 1/2 कप है। चीनी को इसमें इसके साथ मेल्ट, देखिए इसको हमने लगातार चलाते हुए पका लिया, अब चीनी हमारी पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है। तो अब इस स्टेज पे हमको इसमें 2 चम्मच देसी घी डालना होगा। आप चाहें तो इसकी जगह बटर भी डाल सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगे वो आप डाल लीजिएगा। तो अब हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर 1 कप, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। इसको हमें बराबर लगातार चलाते हुए इसी में मिक्स करना है। देखिए हमारा दूध थोड़ा हमको कम लग रहा था तो हमने इसमें थोड़ा सा दूध 1/2 कप और डाला है। आपको अगर लगे तो आप भी डाल सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा सा गीला लगे तो आप थोड़ा मिल्क पाउडर या डेसिकेटेड कोकोनट थोड़ा वो डाल लीजिएगा, वो टोटल आपके ऊपर है, आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी हमको चाहिए, थोड़ा देर हमको उसको पकाना है अभी। और देखिए ये एक बिल्कुल अभी मावे की तरह लग रहा है, अभी जब ये पैन छोड़ने लगेगा तब तक हमें इसे भून लेना है। हमें इसे इसी तरह से रेगुलर चलाते रहना है, धीरे आंच पे ही, आंच हमें बढ़ानी नहीं है इसकी, लो फ्लेम पे ही पूरा प्रोसेस करना है हमें। तो इस तरह से ही इसको ऐसे थोड़ा दबा दबा के, तो देखिए इसको भूनते हुए हमें 5 से 7 मिनट हो गए हैं, बिल्कुल धीरे आँच पर ही इसको हमने धीरे धीरे आँच पर भूना। देखिए पानी बिल्कुल सूख गया इसका, तो बस हमें इतना ही चाहिए। अब इसके हम 2 भाग कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए इसके लिए हमने एक चौकोर केक टिन ले लिया है और इसमें हम थोड़ा सा बटर या घी डाल देंगे। इसमें हमने ये थोड़ा सा देसी घी डाला है, इसको हम ग्रीस कर देंगे। और देखिए इसमें हम ये अपना 1/2 बैटर डाल देंगे। 1/2 बैटर में हमें अपना कलर मिलाना है, कलर आप जो भी आपको पसंद हो वो आप मिला सकते हैं। तो देखिए इस तरह से इसको हमें बराबर कर लेना है, बिल्कुल थिकनेस आप पर है कि आपको अपनी बर्फ़ी की थिकनेस कितनी रखनी है, उस हिसाब से ही आप इसको पतला और मोटा कर लीजिएगा। देखिए जो हमारा 1/2 बैटर बचा हुआ है तो इसमें हम ये हल्का सा पर्पल कलर डाल देंगे, आपके ऊपर है आप येलो कलर डालें, ग्रीन डालें, पर्पल डालें, पिंक डालें, जो भी आपको पास अवेलेबल हो कलर। तो देखिए इसके ऊपर हमने जो अपना 2रा बैटर बनाया था, कलर डाला था, वो वाला डाल देते हैं और उसको भी सेट कर देंगे इसके ऊपर डाल के। तो देखिए उसको भी हमने इसके ऊपर सेट कर दिया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी बादाम की कतरन डाल देंगे। गार्निशिंग आप पर है, आप जो भी डालना चाहें, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो, काजू बादाम पिस्ता जो भी आपके पास हो, ना भी हो तो भी वो ऐसे भी अच्छा लगेगा। थोड़ा पिस्ता गार्निश कर देंगे। और इसको हम 1/2 घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए 1/2 घंटा हो चुका है, अब इसको हम पीसेस में कट कर देते हैं। बहुत ही सॉफ्ट बनी है, देखिए आपको काटने से भी पता चल रहा होगा। ये बहुत ही आसान रेसिपी है,
कोई भी मेहमान आने वाला हो, अचानक आपको बनाना हो, तो ये फटाफट बन जाती है। ये बन के तैयार है हमारी इंस्टेंट बर्फ़ी। आप इसको इस मेरे मेथड से ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो फिर अगली रेसिपी में मुलाकात होती है। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।